खरगोन जिले में वैक्सीनेशन कार्यक्रम जोरों पर चल रहा है। ऐसे में नगर पालिका CMO प्रियंका पटेल ने दुकान दुकान जाकर सर्वे कर टीकाकरण करवाया। बता दें कि नगर पालिका अधिकारी को प्रशासनिक स्तर पर 2 दिन में 7,000 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में नगर पालिका CMO महकमे के साथ दुकानों पर पहुंची थी। इस दौरान CMO ने बताया कि 2 दिन में वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल करके शासन की मंशा पर पूरी तरीके से खरा उतरूंगी। क्षेत्र खरगोन में हमारी जो इलेक्शन का डेटा है 1,04,400 पॉपुलेशन है, इसमें से 95,000 लोगों का पहला डोज टीकाकरण का हो चुका है। हमारे पास काफी कम टारगेट जो अवशेष है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आज और कल में कंप्लीट करें। पहले से जो हमारे केंद्र चल रहे थे उसके अतिरिक्त हमने 14 केंद्रों को नया शुरू किया है, जो कि वार्ड में ऐसे वार्डों का हमारे पास डोर टू डोर सर्वे है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचे हुए हैं। अभी उन वार्डों में हम लोगों ने स्पेशल कैंप लगाया है, जो 14 कैंप हमारे वो चल रहे हैं। 5 मोबाइल वाहन चल रहे हैं, उससे हम अनाउंसमेंट भी करते जा रहे हैं ताकि जिनका डोज बच गया है वो बाहर आके और अपना वैक्सीनेशन करवा सकें। इस तरीके से आप शहर के प्रमुख बाजार में घूम रहे हैं, दुकानदारों से भी आह्वान कर रहे हैं, क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है? रिजल्ट काफी अच्छा मिल रहा है। सुबह 10:30 बजे तक हमारे लगभग 1200 डोज खत्म हो गए, तो रिस्पांस काफी अच्छा है। और सारे जनप्रतिनिधियों से भी हमने कांटेक्ट किया है, जिससे वो लोग भी अपने बॉर्डो से जो है लोगों को भेज रहे हैं। तो हम आशा कर रहे हैं कि अगले 2 दिन में हमारा 100% कंप्लीट हो जाए। खरगोन से UD News के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट।